जय जय श्री राधे, राधे राधे। दर्शकों, आज उपायों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए पुनः मैं एक अचूक उपाय लेकर आया हूँ। थोड़ा सा इसमें मेहनत तो लगेगा, लेकिन उन लोगों का जीवन सफल हो जाएगा जिनकी शादी के बहुत दिन हो गए, पुत्र नहीं हो रहा। शादी के बाद जिनका बार बार गर्भपात हो रहा है और जीवित पुत्र का जन्म नहीं हो रहा, उन लोगों के लिए जिन पर बांझपन का श्राप लगा हुआ है, पुत्र श्राप है जिनके ऊपर, पुत्र श्राप से मुक्ति मिलेगी इस उपाय को करने से। उन लोगों के लिए भी लाभकारी है जिनको बहुत सारी पुत्रियां हो गई और एक पुत्र की लालसा में पुत्री पर पुत्री किए जा रहे, वो भी इस प्रयोग को करेंगे तो उन्हें अतिशीघ्र एक पुत्र संतान की प्राप्ति होगी। यह उपाय संतान प्राप्ति में पुत्र प्राप्ति का उपाय है और हर इंसान चाहता है कि हमारे जीवन में कम से कम एक पुत्र तो होना ही चाहिए। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आज मैं इस अनुपम उपाय को लेकर आया हूँ। दर्शकों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल जीवन दिग्दर्शन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें। बेल आइकन दबाने से जैसे ही हम कोई नई वीडियो डालेंगे, आपको तुरंत उसका लाभ प्राप्त हो जाएगा, उसका नोटिफिकेशन चल जाएगा, आपको पता लग जाएगा। अगर हमारे बताए उपाय आपके लिए उपयोगी हो, लाभदायक हो और आपको अच्छे लगते हो, तो आप दोस्तों में भी शेयर करें, उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। दर्शकों, आइए हम उपाय की विधि बताते हैं। यह उपाय कृष्ण जन्माष्टमी के दिन से, किसी भी ग्रहण काल से, किसी भी महीने की प्रथम गुरुवार से, बुधवार से आप प्रारंभ कर सकते हैं। यह उपाय आप रामनवमी से भी प्रारंभ कर सकते हैं, दीपावली से भी प्रारंभ कर सकते हैं। इन मुहूर्तों के अलावे अन्य मुहूर्त में आप इसको ना ही शुरू करें तो अच्छा है। सफलता तभी मिलती है जब आदमी कोई कार्य किसी शुभ मुहूर्त में प्रारंभ करता है। इसके लिए आप बाजार से ला एक संतान गोपाल यंत्र लेकर आए, किसी विद्वान ब्राह्मण से उसको प्राण प्रतिष्ठित कराते हुए उसका षोडशोपचार पूजन करा लें। प्राण प्रतिष्ठा कराने से वह यंत्र सजीव हो जाता है, उसमें भगवान का निवास स्थान बन जाता है। अब दर्शकों, इतनी क्रिया करने के बाद में वह यंत्र आपके उपाय के लिए तैयार हो गया। अब आपको एक कांसे या पीतल की थाली चाहिए और पीले रंग के पुष्प इतनी मात्रा में चाहिए कि थाली भर जाए। अब उस थाली पर आप स्वास्तिक बनाएं, अष्टगंध की स्याही से आप अपने रिंग फिंगर से उस पर थाली पर स्वास्तिक बनाएं। स्वास्तिक बनाने के बाद आप पुष्प की पंखुड़ियां रखकर थाली को भर दें। उसके ऊपर आप प्राण प्रतिष्ठित संतान गोपाल यंत्र को स्थापित करें। संतान गोपाल यंत्र के दोनों तरफ दो घी के दीपक लगाएं, गलती से भी एक नहीं लगाने का, दो घी के दीपक लगाने हैं और दोनों दीपक में एक एक जोड़ा इलायची अवश्य डालें। दीपक कम से कम इतना बड़ा हो कि 3 घंटे कम से कम चले, अथवा कम से कम आप इस मंत्र का जितना देर जाप कर रहे उतना देर आपका वो दीपक जलता रहना चाहिए। जनरली 3 घंटे के अंदर खत्म हो जाता है, तो 3 घंटा काफी है, 3 घंटे के लिए दीपक लगाएं। दीपक लगाने के बाद आप एक पीले रंग का आसन बिछाकर उस पर विराजमान हो, आपका वस्त्र भी पीला हो। अगर कोई स्त्री वर्ग कर रहा है तो लाल वस्त्र, पीला वस्त्र कोई भी ग्रहण कर सकती है, पहन सकती है, लेकिन अगर पुरुष कर रहा है तो वस्त्र पीला ही होना है।
पीताम्बर धारण करें और पति पत्नी दोनों मिलकर करें तो अति उत्तम। अब आपको एक पुत्र जीवा का माला चाहिए। इतना सब करने के बाद आप पुत्र जीवा का माला लेकर के इस माला से कम प्रतिदिन 11 माला जाप करें। यह प्रयोग लगातार 21 दिन का है। 21वें दिन आप का यह प्रयोग खत्म हो जाएगा। फूल प्रतिदिन बदलेंगे, थाली वही रहेगी, फूल प्रतिदिन बदलेंगे, यंत्र वही रहेगा। अब उसके बाद आपको जो मंत्र मैं बता रहा हूं, इस मंत्र का कम से कम 11 माला पुत्र जीवा की माला से, ऐसा नहीं किसी माला से मत जपिएगा, पुत्र जीवा की माला से आपको जपना है 21 माला। और आप प्रतिदिन 21 माला नहीं, 11 माला प्रतिदिन 21 दिन तक जपना है। आप मंत्र, आपको मैं बता रहा हूं, इस मंत्र को ध्यान से लिखें, सुनकर लिखें। वैसे हम इसको डिस्प्ले भी करा देंगे, वहां वीडियो को रोक करके आप इस मंत्र को ठीक से लिख लेंगे, लिखकर याद करके तब आप इस मंत्र का प्रयोग प्रारंभ करेंगे। मंत्र है, ओम हरिवंशाय पुत्राण देहि देहि नमः। ओम हरिवंशाय पुत्राण देहि देहि नमः। अब इस मंत्र का पुत्र जीवा की माला से, मैं फिर एक बार सीधा करके बता देता हूं, इस मंत्र का पुत्र जीवा की माला से कम 11 माला प्रतिदिन आपको निश्चित समय पर निश्चित स्थान पर आपको 21 दिन तक जाप करना है। निश्चित माला और निश्चित स्थान का मतलब होता है आपका आसन एक होना चाहिए, जगह एक होना चाहिए। अगर आप 7 बजे सुबह में जप रहे हैं तो 7 बजे सुबह मतलब 7:05 और 7:05 पहले, इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं हो। रात्रि में अगर जप रहे हैं तो रात्रि काल में भी, मान लो आप 9 बजे जप रहे हैं तो 9:05 कम हो या ज्यादा हो इतना ही चलेगा। 11 बजे रात में जप रहे हैं तो 11 बजे में 5 मिनट कम या ज्यादा इतना ही चलेगा। समय भी निश्चित होना चाहिए, जगह भी वही होना चाहिए, आप एक ही जगह पर इस अनुष्ठान को पूर्ण करें। और आपने जो 21 दिन में जो पुष्प और जो इकट्ठा किया वो 21वें दिन या 22वें दिन आप उस पुत्र जीवा की माला समस्त पुष्प आप ले जा करके और संतान गोपाल यंत्र, पुष्प पुत्र जीवा की माला और संतान गोपाल यंत्र किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दे। आपका काम खत्म हो गया। प्रवाहित करने के बाद पीछे मुड़कर मत देखना और आप देखेंगे कि समयानुकूल आपको एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। प्रभु की कृपा होगी तो वो गुणवान भी होगा, धनवान भी होगा, सुंदर भी होगा, सुशील भी होगा और आपको निश्चय ही पुत्र की प्राप्ति होगी। इसमें कहीं संदेह का स्थान नहीं, शास्त्रों ने बताया है। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे राधे।